ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं और जला भी सकते हैं? ऐसी कौन सी जॉब है जो बताई नहीं जाती? ये जो आपने पहनी है ना, ये बनाते हैं हम। हाँ। पेट्रोल तुम पीते हो? नहीं, खाते हो? चलता तो है ना, खाता ही जाता है क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ईशा खान, आप देख रहे हैं हाल टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीनारे पाकिस्तान में और यहाँ पर मेरे आने से पहले ही क्राउड जमा हो चुका हुआ है। इनसे हम थोड़ी सी कॉमन सेंस के सवाल और थोड़ी सी चिट चैट और फनी बातें पूछते हैं कि यार ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं, और ये आए हैं तो इनको मीनारे पाकिस्तान की हिस्ट्री पता है। आइए वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? शुक्र अल्लाह का, आप सुन। क्या नाम है? समीउल हक, गौर पे चैना। क्या गौर पे चैना बोलते हैं लोग? टिकटॉक पर भी चैना तरीन है, फेसबुक पर चैना अफगान है। नाम क्या है? समीउल हक है लेकिन कोई नहीं जानता ये। समीउल हक है लेकिन कोई नहीं जानता? हाँ जी। ये फिर नाम क्यों रख लिया? वो तो मेरा दोस्त है, नारा का बचपन से, अभी वो पक्का हो गया। तो यहाँ पे क्या करने आया? वैसे शेयर करने पे आ गया। कहाँ से बिलोंग करते? क्या समझ से? किस जगह से हो? शहर कौन सा? बुनियर से। ठीक हो गया। और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप हर वक्त ज़ाया करते रहते हो लेकिन आप उसको ख़रीद नहीं सकते? ज़ुबान। ज़ुबान को ज़ाया करते हो? ज़ुबान तो लगी लगाई मिली है तुम्हें। पैसे? पैसे ख़रीदते हो? कमाते तो आते हैं ना? हाँ, कमाते तो हैं। सिर कटो? नहीं। समझ में नहीं आया। तो कौन सी कोई ऐसी लड़की लड़की फंसाई है जो लाहौर में चक्कर काट रहा है? नहीं। फिर वैसे बस काम पे आए हो इधर? काम पे? यहाँ पे क्या काम करते हो? एलसीडी की। एलसीडी का क्या काम करते हो? एलसीडी बेचना है, यूपीएस एलसीडी एसी। तो वहाँ जाके वो बेचो ना, यहाँ क्या कर रहे? भेज रो लोग में। चलो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? बस इधर लंडे में काम करते हैं ना। किस पे? वो लंडा बाजार में काम करते। अच्छा, लंडा बाजार में क्या काम? किस चीज़ की दुकान है? गारमेंट्स की दुकान है। यहाँ पे कैसे आए? इधर बस ऐसे चक्कर के लिए आ जाता है ना। चक्कर के लिए आ जाते हैं? वॉक करने आ जाते हैं? वॉक करने आ जाते हैं? नहीं, बस ऐसे बस चक्कर के लिए आते हैं, मौसम सही हो गया तो बस चक्कर के लिए आए। ठीक हो गया। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप ज़ाया करते हैं लेकिन ख़रीद नहीं सकते? क्या? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप ज़ाया कर देते हो लेकिन आप उसको ख़रीद नहीं सकते? खरीद? ये पता होनी है हम। यहाँ पे कैसे आना हुआ? बस बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आया। फैमिली के साथ आए हैं? बच्चे किधर हैं आपके? ये हमारे बच्चे हैं। एक दो तीन, कम से कम 11 बच्चे हैं। क्या? 11 बच्चे हैं। किस किस के लेकर आए हो? हमारी अपनी फैमिली है। अपनी? मेरे नहीं है इसमें कोई भी। मुझे लगा मेरे बच्चे 11 लेकर आए, मेरे को पूरी क्रिकेट टीम खड़ी करनी। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप ज़ाया बहुत करते हैं लेकिन आप उसको ख़रीदते नहीं? नहीं पता। नहीं पता? थोड़ा सोच लो, बच्चों से पूछ लो। पूछ लें, आप खुद ही सवाल कर लें, मुझे नहीं पता। हिंट ले सकते हो? नहीं नहीं पता। नहीं। चलो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक। क्या करते हैं? जॉब। किस किस्म की जॉब? बहुत खराब किस्म की जॉब है, बता नहीं सकता। ऐसी कौन सी जॉब है जो बताई नहीं जाती? ये जो आपने पहनी है ना, ये बनाते हैं हम। किस जगह? इधर ही। हाँ जी, बैक साइड पे। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप ज़ाया करते हैं लेकिन आप उसको ख़रीद नहीं सकते? वो थोड़ा मुश्किल है। इतना भी नहीं है मुश्किल है? इतना नहीं। ज़ाया करते ख़रीद नहीं सकते? कितने पढ़े लिखे? बस ज़्यादा नहीं, बीए किया। ज़्यादा नहीं फिर भी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है। इतना मिली है? आजकल जॉब नहीं ना मिलती बीए पे। बीए पास नहीं, बीए पास भी कहीं ना कहीं लगे। हाँ, रिश्वत दे के। बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम नहीं दे सकते ना। बिल्कुल, मसला ये है। फिर ये खुद से बनाने में कैसे इंटरेस्ट आया? बस मेरे भाई की मेहरबानी है। ये भाई साहब सगे भाई ले ली, ये है समझ ले, ये क्या कहते हैं, दोस्त है। दोस्त है तो मतलब ये भी साथ ही काम करता है? हाँ, ये इन्हीं से मैंने सीखा है। कैसे बना लेते हो खुद सा? क्या ऐसी प्रोडक्ट होती है? मशीन होती है, इनका बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। जैसे कि? जैसे बताना थोड़ा सा, फिर आपका शो लग जाएगा, एक घंटा लग जाएगा बता रहे। शॉर्ट इनके ऐसे है कि दाना होता है, फिर उसको मशीन में डाला जाता है, फिर वो है आपका जो सोल है ना नीचे वाला, वो बाहर आता है उसको। अच्छा, मेन मुद्दे वाला सवाल, खुद से इतने टूटते क्यों? हाँ, ये पॉइंट है, ये मालिक से पूछना चाहिए ना, हम तो मजदूर हैं।
बनाते हमें वो दो नंबर माल लाते हैं, हम दो नंबर बेचते हैं, माल एक नंबर हो तो फिर नहीं टूटता, और उसकी प्राइस भी तो बड़ी होती है ना। नहीं, आप चाहे लेदर का ले लो, आप चाहे जैसा मर्जी ले लो, वो टूटते क्यों? टूटते इसीलिए ना कि जो मालिक है ना, जो दाना ला कर देते हैं हमें, उनकी वजह से। एक दफा बारिश में आप गीले पांव पहन के चले गए, अगले दिन वो एक दिन गारंटी होती है, सिर्फ एक दफा ही पहनना आपने, चाहे किसी इवेंट पे पहन ले चाहे। इसका मतलब फिर हम खुद से की जगह डिस्पोजेबल जूते ना बनवाए? या ये भी अच्छा है, पॉइंट है, वो भी हम बनाते हैं, वो भी बनाते हैं डिस्पोजेबल शूज हॉस्पिटलाइज्ड को सप्लाई करने के लिए। हाँ यार, थैंक यू सो मच, बहुत खुश हुई आपसे बात करके। आसुम, तुमने बहुत बहाए किसी लड़की के पीछे। नहीं वैसे बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है ना, दिल टूटा आशिक, हाय मेरी तो लड़की छोड़ गई। अच्छा आप मेरे सवाल का जवाब दें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं और जला भी सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, जला भी सकते हैं? पेट्रोल। हाँ जी बताएं, ये कौन सी चीज़? सवाल है। पेट्रोल तुम पीते हो? नहीं। खाते हो? चलता तो है ना, खाता जाता है, क्या हो? चल बस कर तेरी ठंडी। इन अ सेंस वो कोई ईटिंग प्रोडक्ट है? नहीं, वो फल है, मतलब एक खाने की चीज़ है, फायदेमंद है इंसान के लिए। हाँ जी, मैं नारियल बाहर से सख्त हो गया, कौन बोला था? थैंक यू, इनकी तरफ से मुझे हेल्प आई है। अच्छा मुझसे क्यों पूछे भी? क्यों पूछे, आपने सवाल दिया, आप फंसे हैं। आप सवाल देके या उधर इंटरव्यू करें? ओके, आपने सवाल का जवाब देके आप फंस गए, आप आ जाएं यहाँ पे। मैं ठीक हूँ। ओके, वालेकुम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? बस जॉब करता हूँ, ओमान में होता हूँ। ओमान में होते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में कितने दिन हो गए? अभी दूसरा दिन है बस। ऐसे विजिटिंग? बस विजिटिंग। ओमान में किस किस्म की जॉब करते हैं? हमारा फ्रूट का काम है उधर, पाकिस्तान से उधर इम्पोर्ट करते हैं, मैंगो का इस वक्त सीजन चल रहा है हमारा। तो मेरे फ्रूट का काम है बस। बस मेरे सवाल मेरे खुद ही जवाब बन गया। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप क्या नाम बहुत वेस्ट करते हैं लेकिन आप उसको खरीदते नहीं? नहीं मुझे नहीं, वो परचेज नहीं कर सकते। नहीं, मुश्किल सवाल का जवाब दे सकते हैं तो ये क्या चीज़ है आपके सामने? नहीं कुछ भी नहीं ला मुझे। पानी भी आजकल खरीद के लेना पड़ता है? ओमान में तो मिलता ही खरीद के है ना, दूसरा तो ओमान है ही नहीं। तो शादी हुई भी है? अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली के साथ क्यों नहीं है? फैमिली घर में है। तो आप फिर क्यों आ गए? नहीं ढूंढने आए हैं, नहीं लेने हैं। आप मरियम नवाज वाली के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि दो शादियां करनी है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह दो शादियां। सीरियसली यार, तू इतना सारे अफसोस करते हैं, सारे मेरे सब दोस्त हैं, पूछ लें दो शादियां। सीरियसली दो शादियां? अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी की बाकी? तीसरी की कैसे तलाश कर रहे? नहीं अभी सोचा नहीं है फिलहाल, तो होगी तो उधर ही होगी। ओमान पागल ही हुए दो में? ना, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक राजा फोर्ड होते हो तो फिर कुछ नहीं होता। दोनों ही पाकिस्तान में? जी दोनों पाकिस्तान में। कैसे रहे? बस लड़ाइयाँ झगड़े बर्दाश्त कर लेते? उनके होते नहीं है। कहीं बहने तो नहीं ले? नो लेकिन पहली वाली से इजाजत ली थी? नहीं, पहली भी लव मैरिज थी, दूसरी भी लव मैरिज है, दोनों लव मैरिज है। फिर आप बहुत दिल पे इंसान है, आपका दिल किसी पे भी आ जाता है? नहीं, हर किसी पे नहीं आता। हर किसी पे नहीं आता, फिर भी दो शादियां हैं, और अगर किसी पे आता होता तो फिर कितनी होती? फिर माफ़ी नहीं है, फिर शादी करें। थैंक यू। वक्त सही है, वक्त है, वक्त है। अंकल का दिमाग बहुत चला है, बहुत ज़्यादा चला है पीछे वाले का। उन्होंने पीछे से हिंट दिया। हाँ पीछे से वो आपके साथ है? हाँ मेरे साथ है। फिर देख ले आपने किस तरीके के होशियार बंदे रखे। अच्छा सही है, बस ये सही है, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही, काम भी सही सही करता है, शुक्र अल्लाह का बस बिल्कुल। चले बहुत शुक्रिया आपका। वक्त कहाँ से आया ये आमद? कैसे आई वैसे आमद? नहीं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ मैं इसलिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज का ये फनी सा प्रोग्राम, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मजीद फीडबैक्स के लिए आपका इंतजार रहेगा, उसके लिए मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।